लटका पड़ा है, ये ऐसे ही लटका पड़ा है और यहाँ पर है बहुत बड़ा सा गड्ढा। अब देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा गड्ढा है, ऐसे गड्ढा कहें या खाई ये तो मुझे भी समझ में नहीं आई। और इससे बड़ी ही परेशानियां हैं और हमें कोई मिल गए हैं लोग जिनसे पूछते हैं, इनका कहना है कि अब ये गड्ढा कितने दिन में बनने वाला है। भाई क्या बोला आपने, ये गड्ढा कितने दिन में बनने वाला है? मई में रोड चालू कर देंगे। कब कब? मई में रोड चालू कर देंगे। मई में रोड चालू हो जाएगा, पुल बन जाएगा ये? पक्का गारंटी? पक्की गारंटी है। कैमरा देख के बोलिए, गारंटी दे रहे हो आप इस बात की? हाँ गारंटी, मई में चालू कर देंगे। मई में चालू आप कर देंगे? अरे काम चल रहा है, चालू हो ही जाएगा। चलो ठीक है, ये बताओ कि आपका नाम क्या है, पहले तो अपना नाम बता दीजिए। कुलदीप तिवारी। ये बताइए कि अभी हमको कोई काम तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, मिस्त्री तो लगे नहीं है। अंडरग्राउंड सीवर पाइप डाल रहे हैं इसमें। सीवर पाइप अंडरग्राउंड डाले, हमको तो कोई अंडरग्राउंड भी नहीं नजर आ रहा है भाई। बक्सा ये पाइप जो चल रहा है, ये पाइप ही डाल रहे हैं इसमें। चलिए नीचे दिखाइए कहाँ पे काम चल रहा है, बताइए भाई ये कहाँ काम चल रहा है, हमें दिखाइए काम, दिखाइए। अब 4-5 दिन के अंदर भर देंगे गड्ढे इसको। पक्का है? हम दोबारा आकर देखेंगे, फिर आप पकड़े जाएंगे, आपका नाम हमें पता है। 4-5 दिन के अंदर गड्ढे भर देंगे। 4-5 दिन के अंदर गड्ढा भर देंगे। चलो भैया इनके कहने का मतलब है कि ये 4-5 दिन के अंदर इतना बड़ा गड्ढा या खाई है जो भी है इसको भर देंगे, इनके कहने का मतलब ये है। मई में चालू कर देंगे, इन्होंने जबान दी है और ये हो भी नहीं सकता है क्योंकि ये 6 महीने से तो लटका पड़ा है और अभी भी इसका काम अटका पड़ा है। तो देखते हैं कि ये मई में चालू होता है कि नहीं होता है, वो तो वक्त बताएगा। देखते हैं आगे क्या होता है, ऐसे अब बढ़ते हैं आगे और ढूंढते हैं गड्ढों का आतंक कहाँ कहाँ मचा पड़ा है। आइए मेरे साथ। तो पिछली सरकार से ये पुल का काम रुका हुआ है और योगी जी के कहने के बावजूद कि कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए, अभी भी ये काम हमें समझ नहीं आया है कि यहाँ पर क्या काम चल रहा है। पर कोई बात नहीं, यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उन्हें इस बात से क्या परेशानी है। आपका नाम क्या है? आलोक दीक्षित। आलोक दीक्षित जी ये बताइए कि भगवा गमछा तो आपका बड़ा बढ़िया लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि ये जो पुल है इसका काम कब से रुका हुआ है? तो इस पुल से दिक्कत है कि कोई नहीं? दिक्कतें बहुत हैं। जैसे क्या दिक्कत है आपको? जैसे कि धूल मिट्टी सा भी उड़ रही है और यहाँ पर जो ये गंदा पड़ा हुआ है सब, इस सबसे बहुत बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। 15 जून तो भाई सब गड्ढे वड्ढे भरने हैं, सारा काम शुरू करना है, सब कुछ खत्म करना है, तो आपको क्या लग रहा है काम हो रहा है यहाँ पर? हो रहा है। हो रहा है? हाँ। किसी की तरफ देख के बोला या ऐसे ही बोला दिल से? ऐसे ही बोले दिल से। मतलब है काम हो रहा है पर अभी तक हमें दिखा नहीं है। तो एक और मिल गए हैं, इनसे भी पूछते हैं कि आखिर ये हमसे बातचीत नहीं करना चाहते, गोल गोल घुमा लिया इन्होंने हमसे पर फिर भी हम इनको पकड़ लेंगे और ये भाग गए। यहाँ कोई जा रहे हैं शख्स, सर रुकिए, ये शख्स हमें बहुत दूर से नजर आए हैं तो इनको रोकते हैं। सर सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? इमरान। इमरान जी आप अपना हेलमेट उतार लीजिए। इमरान जी ये बताइए कि जो पुल रुका हुआ है गोमती बैराज का, ये इससे कोई खासी परेशानी है आपको? हाँ थोड़ी सी परेशानी तो है ही है। कोई परेशानी नहीं है आपको? थोड़ी सी परेशानी तो है ना। क्या परेशानी है भाई? ऐसे उधर से घूम के आना पड़ता है पास में, अब लंबा टर्न लेना पड़ता है। काम नजर आ रहा है आपको? हाँ लेकिन जो है विकास से संबंधित तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं लगा। अभी कुछ नहीं नजर में आया आपके? विकास से संबंधित तो नहीं, बाकी और चीजों में तो है। इसकी हालत देख के आपको लग रहा है कि ये मई में चालू हो जाएगा? हालत से तो नहीं लग रहा है ऐसा कि ये चालू हो पाएगा, हो जाएगा तो अच्छी बात है। चलिए इन्होंने कह दिया कि इसकी हालत से तो नहीं लग रहा है कि वो चालू हो जाएगा, बट देखते हैं। ये यहाँ पर बैठे हैं, आपकी दुकान सर कब से है? करीब 5 महीने से। 5 महीने से दुकान है आपकी। तो ये जो पुल है इसमें काम वाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। वो गाना तो आपने सुना ही होगा ना, ऊंची नीची है डगरिया। समझ गए मेरी बात? नहीं समझे यार, हम बता देते हैं भाई। हम निकले हैं आज ऊंची नीची डगरियों पर, यानी कि हम निकले हैं आज ऊंची नीची सड़कों पर। भाई साहब बता दे कि यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर सड़कों पर गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों पर सड़कें बसी हुई हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अधिकारियों की जबरदस्त क्लास लगाई है कि अगर 15 जून तक सड़कें गड्ढा मुक्त और चिकनी नहीं हुई तो भाई उनकी शामत आ जाएगी, हम बता दे रहे हैं। और दूसरी बात बता दें कि अभी बहुत जल्द हमारे प्रदेश में नगर निकाय चुनाव भी होने वाले हैं और हम चुनने वाले हैं अपने पार्षद जी को और मेयर जी को। तो भैया अब हम निकले हैं कटिंग चाय के साथ, क्या करने आपको बताऊं, हम निकले हैं भाई हमारे योगी जी, पार्षद जी और मेयर जी की सहायता करने के लिए और ढूंढेंगे कि भाई पूरे लखनऊ में कहां कहां मचा है गड्ढों का आतंक। आइए मेरे साथ, देर मत करिए, जल्दी से चलिए ढूंढते हैं गड्ढों का आतंक कहां कहां मचा हुआ है। मेरे साथ एक तो यहां पर यही गड्ढा है क्योंकि इधर ही नगर निगम का ऑफिस बड़े ही करीब में है और हम खड़े हैं गड्ढों के ऊपर और वहाँ नगर निगम का ऑफिस है। बहुत दुख है इस बात का, शायद ये गड्ढा जल्दी पट जाए। निकलिए निकलिए गड्ढे के ऊपर से, निकलिए निकलिए गड्ढे के ऊपर से, निकलिए गड्ढे के ऊपर से। लोग निकल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। चलिए करते हैं कुछ लोगों से बातचीत। आइए मेरे साथ, आपका नाम क्या है? मोहसिन वारसी। मोहसिन वारसी जी चाय पी रहे हैं आप? जी हाँ।
फुल चाय की कटिंग चाय क्या फुल चाय कटिंग चाय कटिंग चाय कटिंग कटिंग चाय पी रहे हैं। देखिए कटिंग चाय हमारे शो का नाम है और हमारा शो बहुत बढ़िया है कटिंग चाय पता है। अगर खैर ये बताइए कि नगर निगम चुनाव भी होने वाले हैं और योगी जी ने भी कहा है कि 15 जून तक सारी जो सड़कें हैं वो चिकनी हो जाएंगी जी जी। तो आपको क्या लग रहा है जो गड्ढा यहाँ पे हमें इतना बड़ा सा दिखाई ये गड्ढा देखिए ये गड्ढा है और ये भी गड्ढा है और वो भी गड्ढा है और ये सब जो गड्ढे 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 हैं गड्ढों का अड्डा है ये कब तक खत्म हो जाएगा क्या लग रहा है आपको? उम्मीद है कि सभासदी जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले ये खत्म हो जाएगा। क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? नहीं करना तो पड़ता है लेकिन अब थोड़ा सा जो है सब लेवल में आ रहा है पहले के मुकाबले देखने को मिल रहा है कि योगी जी कुछ भी है कि काम अच्छा कर रहे हैं। जब कोई विधायक जब कोई नेता गुजरने वाला होता है जब कोई रैली होती है तब तो रातों रात सड़कें चट 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 चपाट चट सब बन जाती है। आप बताइए कि ये तो भाई रातों रात बन जानी चाहिए यार। तो ये जो है कोई सिर्फ पर्टिकुलर एक जगह के लिए नहीं हुआ है काम और भी जगह पे चल रहे हैं गड्ढे भरे जा रहे हैं ऐसा नहीं कि उनका काम प्रोसेस में आया नहीं प्रोसेस में आ चुका है। अब इसका नंबर किस दिन आएगा ये मैं नहीं बता सकता लेकिन आएगा जरूर आएगा जरूर और हम भी उम्मीद लगाते हैं कि बहुत जल्द यहाँ का नंबर आए और हमें ये मिल गया। सर भाई साहब आपका नाम क्या है? अरे बोलना ही नहीं चाहते अभी तो आप बोल रहे थे। अरे क्यों मतलब हमसे मतलब है आपको? तो यहाँ पर देखिए ये गड्ढे हैं इतने सारे बहुत सारे गड्ढे हैं यहाँ पर तो वहाँ कुछ लोग बैठे हैं चलिए उनसे बातचीत करते हैं। ये जो गड्ढे हैं अभी तक पटे नहीं हैं और योगी जी ने बोला है कि गड्ढे पट जाएंगे तो आपको क्या लग रहा है कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप सरकार जो कदम उठा रही है वो धीरे धीरे लाइन अप हो रहा है काम जो है और जाहिर सी बात है कि अभी जो लोग जीत के आए हैं उनको थोड़ा सा टाइम तो चाहिए ही होता है ना। और हमारे अभी तो नगर निगम चुनाव भी होने वाले हैं भाई पार्षद जी और मेयर जी को काम है ये उनको तो ये करना ही पड़ेगा जल्दी से गड्ढे वड्ढे बनवाने पड़ेंगे। जी जी बिल्कुल 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 ये उनका ही काम है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि योगी जी के राज में ये काम बहुत तेजी से होगा। मेरा नाम सुहेल काकुर भी है। सुहेल जी ये बताइए कि गड्ढों से किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? अगर अचानक कोई गाड़ी गुजर रही हो तो वो उछल के उसके गिर जाने का खतरा रहता है फिर चोट वोट लग जाती है। और दूसरी बात कि हमें बहुत दिक्कत होती है जब हम अपने प्रदेश को दिखाते हैं कि हमारा प्रदेश बहुत ही अच्छा है और जब गड्ढे वड्ढे दिख जाते हैं तो कहीं ना कहीं से गलत इम्पैक्ट पड़ता है ना? जाहिर है कि इम्पैक्ट तो गलत पड़ेगा जो गड्ढा है तो उसका इम्पैक्ट अच्छा कहाँ से पड़ सकता है। और क्या और गड्ढा मुक्त सड़कें तो बनाने की बात कही तो क्या लग रहा है कि सच में हाँ पूरे प्रदेश की सड़क एकदम चिकनी हो जाएंगी? उम्मीद तो है इसलिए कि हमेशा अच्छी उम्मीद लेके चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद पर दुनिया कायम है ना। बोल दीजिए। अच्छी उम्मीद रखना चाहिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और दुनिया कायम उम्मीद पर ही रहेगी। तो ये अगर उम्मीद पर ही रहेगी मतलब काम नहीं होगा क्या? नहीं काम होगा लेकिन उम्मीद तब भी बाकी रहेगी। न होती आरजू तो आरजू की आरजू होती न होती आरजू तो आरजू की आरजू होती क्या बात है। और कुछ लोगों से पूछ रहे वहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं वहाँ पे कोई अपना कोई इंसिडेंट बताइए कि गड्ढों से किस तरीके से लड़खड़ा करके गिर पड़े आप? अक्सर ऐसा हो जाता है कि मालूम है कहीं पे ईंटा उबड़ खाबड़ है गाड़ी लेके बाइक लेकर के गिर जाता है आदमी चोट लग जाती है। गड्ढे तो जब योगी जी आए हैं बोल रहे हैं तो अब उनको समय दिया जाए 15 जून तक की पक्का आपको एकदम विश्वास है कि हाँ हो जाएंगे सारी सड़कें चिकनी हो जाएंगी भाई? ये तो आज तक के हम जब से बचपन से हो गए इतने साल हो गए बहुत सी सरकारें देखा कोई कुछ नहीं कर सका। कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग कहते हैं लेकिन करता कौन है? अगर कर दिया तो वाह वाह अच्छी बात है नहीं किया तो बेकार है ये भी सभी की तरह बेकार है। आप चाहते हो कि बिल्कुल गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाए एकदम चाहते हो दिल से? हो जाए तो बेहतर है एक्सीडेंट नहीं होंगे लोग मरेंगे नहीं वरना तो मर रहे हैं। थोड़ा सा आराम आराम से क्या नाम है सर आपका? राकेश अवस्थी। राकेश अवस्थी जी ये बताइए कि यहाँ पर इतनी सड़कों पर गड्ढा है इतने आप गाड़ी चला कर कह रहे कैसा महसूस हो रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं चला रहे आदत बन गई हमारी तो हमेशा से गड्ढे में चलाने की आदत बन गई है। हाँ आदत बन गई। और अब जब सड़कें बिल्कुल चिकनी हो जाएंगी कुछ दिन बाद तब उसकी आदत बन जाएगी? उसकी भी बन जाएगी। अटपटा नहीं लगेगा पहले जो चीज़ आदत है फिर आदत बदल जाए? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं आदत बन जाती है। आपको बड़ा खुशी है गड्ढों में चलने में? नहीं नहीं ऐसा नहीं है हाय अब क्या किया जाए अब क्या किया जाए। आपको क्या लग रहा है गड्ढे अच्छा बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे क्या बात है? हाँ क्यों नहीं बन जाएंगे और सड़कें अच्छी हुई है भी अच्छी हो जाएगी कभी बिल्कुल अच्छी इनको पूरी उम्मीद है कि सड़कें अच्छी हो जाएगी हमें भी है।